हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज के स्टूडियो में अपने टिकटॉक का एक न्यू वीएफएक्स वीडियो को फिर से लेकर आ गया हूं। और गाइस, आज के स्टूडियो में हम कुछ इस तरह का ट्रेंड वीएफएक्स एडिटिंग जानेंगे कि आप किस तरह से ऐसे वीडियो यहां पे बना सकते हैं। गाइस, आपको मैं यहां पे ये बता देता हूं कि ये बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये बिल्कुल एडिट किया गया है। तो ये आप किस तरह से ऐसे वीडियो बना सकते हैं वो आज के स्टूडियो में हम जानेंगे। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये मेरे खुद की वीडियो है, यानी इसे मैंने खुद ही एडिट करके टिकटॉक पर अपलोड किया था और इस पर 1 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे व्यू आ गए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि इस पर मुझे वॉच टाइम थोड़ा ज़्यादा मिला। जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको लास्ट में सस्पेंस दिखेगा, यानी कि आपकी जो शुरुआत वाली यहाँ पे सीन था उसमें आपने क्या करा, बस चल के दिखाया, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में आपने सस्पेंस खोल दिया। तो आपको ये पता है टिकटॉक पर जितना ज़्यादा आपको वॉच टाइम मिलता है वीडियो का, उतना ही ज़्यादा आपकी वीडियो वायरल होती है। तो इसमें क्या है, लास्ट में हमारा सस्पेंस खुला, तो इसलिए हमारी वीडियो को सबने पूरा पूरा देखा। और इस तरह की वीडियो जरूर सभी लोग देखते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे वीडियो वायरल जरूर होगी। उससे पहले आपको इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपके पास ग्रीन कलर का पर्दा होना चाहिए और उसके साथ आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से वीडियो को शूट कर लेना है। इस तरह से आपको सिंपली से एक्टिंग कर लेना है। अगर आपके पास ग्रीन कलर का पर्दा नहीं है तो आपके लिए भी यहाँ पे एक सोल्यूशन मैं लेकर आ गया हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आपको पता लग जाएगा। आपको सबसे पहले अपने कैमरास्ट ऐप को ओपन कर लेना है। कैमरास्ट ऐप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ये वाला रेशो सेलेक्ट करना है। इस वाला रेशो को सेलेक्ट करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे करना क्या होगा। आपको सबसे पहले यहाँ से वीडियो वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक वीडियो को यहाँ पर लेकर आना होगा, जिस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आपको यहाँ पे इस ट्रेन वाले वीडियो को यहाँ पर लेकर आ जाना है। इस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे लेटर वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से वीडियो पे जाकर आपको खुद की अपनी वीडियो को यहाँ पर लेकर आना होगा, जो आपने ग्रीन पर्दे के साथ यहाँ पे वीडियो को शूट करा है। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके पास ग्रीन पर्दा नहीं है और वो वीडियो को यहाँ पर शूट नहीं कर सकते। तो वो उन लोगों को करना क्या है कि मैं एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको उस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को जाकर डाउनलोड कर लेना है। उस वीडियो को डाउनलोड करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि उसे यहाँ पे लेकर आ जाना होगा। जैसे मैंने इस वाले लेट को लेकर आया हूँ, वैसे ही आपको यहाँ पे उसे भी लेकर आ जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे जो भी स्टेप्स बताऊँगा आपको जाकर सिंपली से फॉलो करते रहना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट से कट कर देना है, यानी कि आपको अपनी वीडियो में से कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो कि आपको कट करने होंगे, तो उसके लिए आपको कैंसिल निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। और आपको अपनी वीडियो में से राइट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू राइट ऑफ प्लेट करना होगा। और आपको अपनी वीडियो में से लेफ्ट से कुछ पार्ट कट करना है तो यहाँ पे आपको ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेट करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में से लेफ्ट और राइट से बाकी फालतू पार्ट हटा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे इस वीडियो लेटर पे क्लिक करना है और इसका साउंड सबसे पहले यहाँ से बंद कर देना है। आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है ताकि आपकी जो ओरिजिनल वीडियो होगी उसमें जो भी आवाज़ वगैरह आ रहा होगा वो इससे हट जाएगा। अब आपको अपने वीडियो में कुछ ऐसे भी पार्ट होंगे जो कि आपको क्रॉप करने होंगे, तो आपको यहाँ पे क्रॉपिंग वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वहाँ से क्रॉप करना है जो कि आपको ग्रीन स्क्रीन के अलावा है। जैसे यहाँ पे ग्रीन पर्दे के अलावा जो भी वस्ता है आपकी वीडियो में उसे आपको यहाँ पे हटा देना है। इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉप करने के बाद आपको क्रोमा के में चले जाना है और आपको यहाँ पे इसे इनेबल कर देना है। जब आप इसे इनेबल करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है की कलर में आपको यहाँ पे बैकग्राउंड वाला कलर सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन पर्दा यहाँ पे यूज़ करा है तो मैं यहाँ पे ग्रीन कलर ही सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं डार्क ग्रीन कर देता हूँ। इस तरीके से सिलेक्ट करने के बाद अब आप इस वीडियो को यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें ग्रीन इफेक्ट कुछ दिखेगा। तो इसको ठीक करने के लिए आपको इसे डिटेल कलर में चले जाना है और आपको यहाँ पे इसे नीचे कर देना है। जब आप इसे नीचे करेंगे तो आपकी वीडियो में से पूरा ग्रीन इफेक्ट हट जाता है। आगे जाने के बाद अब आपको यहाँ पे इसे छोटा कर देना है। इस तरीके से आप जितना भी छोटा रखना चाहे अपने वीडियो को यहाँ पे रख सकते हैं। और ठीक इसी तरीके से आपको दोनों पटरे के बीच में यानी यहाँ पे लगा देना है आपको इस तरीके से। और ये जैसे यहाँ पे ट्रेन लास्ट में यहाँ पे आ रही है तो आपको इसी के आगे बस थोड़ा सा यहाँ पे लगा देना है, यहीं पे रखना है अपने वीडियो को। उसको रखने के बाद अब मुझे यहाँ पे कट करना होगा, तो इसे कट करने के लिए मैं यहाँ पे कैंचिंग निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से मुझे स्प्लिट करना होगा। लेकिन मैं जैसे यहाँ पे स्प्लिट करूँगा तो मेरे में ये वाला एरर दिखाई देगा। तो अगर आपके में ये वाला एरर आता है तो आपको देखिए यहाँ पे करना क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को सबसे पहले एक्सपोर्ट कर लेना है। इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। जब आप उस वीडियो को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं तो आपको फिर से प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ये वाला रेशो सेलेक्ट करके आपको फिर से यहाँ पे नया प्रोजेक्ट को यहाँ से ओपन कर लेना है। इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद आपको यहाँ से वीडियो वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट वाले में अपने वाले वीडियो को यहाँ पे लेकर आ जाना है जो भी आपने वीडियो को एक्सपोर्ट किया था। इस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको यहाँ पे लेटर वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से वीडियो पे जाकर आपको यहाँ पे अपने वाले वीडियो को यहाँ पे लेकर आना होगा जो कि आपने ग्रीन पर्दे के साथ यहाँ पे शूट करा है। और अगर आपने उस वीडियो को यहाँ पे यूज़ करा है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो आपको यहाँ पे उस वीडियो को यहाँ पे लेकर आ जाना है। तो आप जिस भी तरह के यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं तो आपको उस वीडियो को यहाँ पे लेकर आ जाना है। उस वीडियो को लेकर आने के बाद आपको इस ग्रीन स्क्रीन को सबसे पहले यहाँ पे छोटा करके आपको अपने वीडियो को बराबर कर लेना है, यानी यहाँ पे जो ये वीडियो दिख रही है आपको लास्ट में आ जाना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से। और मैं जैसे यहाँ पे खड़ा हूँ जिस पोजीशन में भी खड़ा हूँ तो आपको उसी पोजीशन में इस ग्रीन स्क्रीन को भी उतना ही बड़ा करके यहाँ पे आपको बस लगा देना है।
जब आप इस वीडियो को यहाँ पर लेकर आते हैं तो हमारे लैपटॉप लेपार्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कैंची नहीं सुनाएगा आपको, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से आपको ट्रिम टू लैपटॉप लेट कर देना है, क्योंकि हमारा लैपटॉप लेपार्ट का यहाँ पे कोई काम नहीं है। अब आपको यहाँ पे इस वीडियो को भी साउंड यहाँ पे बंद कर देना है, तो आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इसका वॉल्यूम म्यूट कर देना है और यहाँ से आपको राइट से यहाँ पे इक्वल कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको इस ग्रीन स्क्रीन को जरूर दिखाना है लास्ट में, क्योंकि इससे ये पता लगेगा कि ये बिल्कुल रियल नहीं है, ये बिल्कुल यहाँ पे एडिट करा गया है, नहीं तो लोग इसे सच में करने लग जाएंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ एनिमेशन देना होगा, तो आपको इस वीडियो लेयर पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जूम कर लेना है इस तरीके से। यहाँ पे आपको जूम करने के बाद आपको यहाँ पे शुरुआत में आ जाना है और यहाँ पे आपको की वाले पे क्लिक करना है और आपको यहाँ से प्लस वाले पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक डॉट देना है इस तरीके से। इस तरीके से डॉट देने के बाद अब आपको लास्ट में आ जाना है और यहाँ पे फिर से प्लस वाले पे क्लिक करके आपको इसे बड़ा कर लेना है इस तरीके से, और इतना बड़ा करके यहाँ पे आपको इसे छोड़ देना है। जब आप इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे तो आपको वीडियो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगी। मैं इस वीडियो को यहाँ से प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अब आपको यहाँ पे राइट से इस वीडियो को इक्वल कर लेना है, इस वीडियो को बराबर कर लेना है। अब मुझे इस वीडियो में सबसे पहले यहाँ पे साउंड को लेकर आना होगा, जो भी साउंड इसमें यूज़ करना है। तो मैंने आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस टिकटॉक वीडियो को जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसे डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ से लेयर वाले पे क्लिक करना है और आपके यहाँ से वीडियो में जाकर यहाँ पर आपको उस वीडियो को यहाँ पर लेकर आ जाना है। चलिए यहाँ से मैं उस वीडियो को लेकर आ देता हूँ। जब आप यहाँ पर उस वीडियो को लेकर आएंगे तो आपको यहाँ से कैची नेशन आएगा, आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर देना है। इससे क्या होता है कि ऑडियो बाहर निकल के आ जाती है। अब हमारा इस वीडियो लेयर का कोई काम नहीं है, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब हमारी वीडियो में ये साउंड ऐड हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आ सकती है कि लास्ट में हमारी आवाज़ यहाँ पे कम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको इसे प्रोजेक्ट सेटिंग पे क्लिक करना होगा और आपको यहाँ से ऑडियो फेड आउट को यहाँ से बंद कर देना है। इससे जो लास्ट में आवाज़ कम होने की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वीडियो को सिंपली से एक्सपोर्ट कर लेना है और जाकर इसे सिंपली टिकटॉक पर अपलोड कर देना है। तो बस यार आज के वीडियो में ये बताऊँ तो आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके बताएं, और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, इसे मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बटन को प्रेस कर लें ताकि मैं जब भी नई वीडियो क्लिक कराऊँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।